थर्ड से लेकर के ट्वेल्थ क्लास तक के बच्चों के मिड टर्म एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं। अब बच्चों के मन में और उनके पेरेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि अब फाइनल एग्ज़ाम हमारे कब होंगे। थर्ड से लेकर के नाइन्थ और इलेवेंथ इनके फाइनल एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद उनका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा और उनकी अगली क्लास की प्रमोशन भी उसी में हो जाएगी। और जो बचा है बाकी हमारा टेंथ और ट्वेल्थ, तो टेंथ और ट्वेल्थ के पहले प्री बोर्ड होंगे, उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। तो फाइनल एग्ज़ाम की डेट और प्री बोर्ड की डेट पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है, तो आपके साथ शेयर करेंगे हम सारे एग्ज़ाम की डेट, कब कब आपके कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, और आगे बढ़ने से पहले अभी वीडियो को पहले लाइक कर लो, बाद में भूल जाते हैं आप शेयर कर दो फटाफट से अपने क्लास ग्रुप में अपने दोस्तों को, ताकि वो भी आपके साथ अपडेट रहें। और इसी तरह से आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो चलिए हम सीरियल वाइज देखते हैं, सबसे पहले हम प्री बोर्ड की डेट शीट देखेंगे, उसके बाद हम फाइनल एग्ज़ाम की डेट शीट देखेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं एग्जामिनेशन पार्ट है, अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं उनकी भी यहाँ पर जो एक डेट है वो रखी है। तो हम चलते हैं यहाँ पर जो रिजल्ट हमारा होगा एनुअल एग्ज़ाम जो कि फाइनल होगा, उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं और आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमन प्री बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन टेंथ एंड ट्वेल्थ, यानी कि जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होंगे 10वीं और 12वीं के वो कब होंगे, तो ये रहेगा आपका 19 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, 19 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपके प्री बोर्ड होंगे, प्री बोर्ड अभी आगे बोर्ड की बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम होगा थर्ड से लेकर के, ये देखिए थर्ड से लेकर के नाइन्थ और इलेवेंथ के कॉमन एनुअल एग्ज़ाम यानी कि फाइनल एग्ज़ाम, इसी एग्ज़ाम के बाद आपका पूरा कैलकुलेशन होगा मार्क्स का और उसके बाद आपका रिजल्ट बनेगा। तो ये होगा आपका 22 फरवरी, ध्यान रखिए 22 फरवरी से 18 मार्च तक, 22 फरवरी से 18 मार्च के बीच में आपके एग्ज़ाम होंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपको जो प्री बोर्ड की डेट शीट दे रखी है वो 19 दिसंबर से दे रखी है, लेकिन आप कह रहे होंगे कि दिसंबर तो बहुत जल्दी आने वाला है, ऐसे में हमारा सिलेबस कैसे होगा। तो जो टेंथ और ट्वेल्थ के सिलेबस की मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए वो है 15 दिसंबर, 15 दिसंबर तक टेंथ और ट्वेल्थ की जो डेट शीट सिलेबस है सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा डिपार्टमेंट का आदेश है। और जैसे आपके पास 3-4 दिन बचते हैं तो आप प्री बोर्ड की तैयारी करेंगे और 19 से लेकर के 31 तक आपके बहुत जल्दी जल्दी एक दिन छोड़ छोड़ के मतलब सारे एग्ज़ाम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम, तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए 31 जनवरी तक सबका सिलेबस थर्ड से लेकर के नाइन्थ और इलेवंथ का सिलेबस कंप्लीट होने का आदेश आ रखा है डिपार्टमेंट की तरफ से। और उसके बाद हमारे पास बचता है थोड़ा सा रिविज़न के लिए, तो रिविज़न के साथ साथ में हमारे पास लगभग 20-22 दिन बचते हैं, तो वहाँ पर 22 फरवरी से 18 मार्च तक आपके फाइनल एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। और जो 18 तारीख के बाद कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो आपके एडिशनल एग्ज़ाम होते हैं वो भी होगा, साथ में रिजल्ट प्रिपरेशन होगा, कॉपी चेकिंग होगी। तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट किस किस बेस पर बनेगा, क्या क्या आधार होगा, किस तरह से ग्रेस मार्क लगेंगे, किस टर्म के कितने मार्क्स लगेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख करके समझ सकते हैं। बात करते हैं हम कि बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट कब आएगी, तो देखिए आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर में, और जनवरी दिसंबर लास्ट तक आपके एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास जनवरी में छुट्टियाँ पड़ती हैं और ये फिर से आपका स्कूल खुलने के बाद थोड़ा सा आपका रिविज़न होगा और पूरा जनवरी आपका रिविज़न में चल जाएगा। उसके बाद फरवरी आधे से, यानी कि लगभग आप ये मान के चलो कि फरवरी 10 से 20 के बीच में आपके एग्ज़ाम शुरू होने की संभावना है। बाकी जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि फरवरी एंड में आपके एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ये मार्च तक चलेगा। बाकी अभी इसके लिए CBSE के ऑफिशियल ऑर्डर की इंतजारी है, वेट करेंगे, जैसे आपके हमारे पास पहुँचता है तो आप तक शेयर कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी, और वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी कर लो, शेयरिंग कर दो। और हाँ, संडे को हम लाइव आने वाले हैं, तो संडे के लाइव सेशन में आप जरूर अपने छोटे बड़े डाउट भी हमसे शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से विजिट करते रहिए, और कुछ भी आपका डाउट रहता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।